मध्य प्रदेश में सरकार के नाफरमानी के कारण आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों का इलाज बंद होने जा रहा है। सरकार ने लंबे समय से अस्पतालों का पैसा नहीं दिया है, इस कारण मजबूरी में अस्पताल संचालकों ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के करीब 4,000 मरीजों को रोजाना आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 15 अप्रैल शाम 5 बजे से आयुष्मान कार्ड पर इलाज नहीं करने का निर्णय लिया है। इस एसोसिएशन में 150 और प्रदेश भर से 622 अस्पताल शामिल हैं। यह अस्पताल संचालक आयुष्मान का भुगतान नहीं होने के चलते सरकार से खफा है। एसोसिएशन ने बताया कि सरकार द्वारा अस्पतालों का आयुष्मान के इलाज को लेकर करीब 3 से 15 महीनों का भुगतान नहीं किया गया है। प्रदेश भर में यह भुगतान करीब 600 से 900 करोड़ का है। इसमें बता दें, सिर्फ भोपाल में निजी अस्पतालों में आयुष्मान के रोजाना करीब 500 से अधिक आईपीडी मरीज भर्ती होते हैं। एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर जेपी पालीवाल ने बताया, क्योंकि इस योजना के कारण योजना में सम्मिलित एवं सेवारत सभी चिकित्सालयों को अत्यंत गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में आयुष्मान योजना में आने वाले रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों के पास पैसा नहीं है। साथ ही बिजली बिल, कर्मचारियों की तनख्वाह, बैंक की किश्तें और अस्पताल का किराया इत्यादि, ये सब देने के लिए निजी अस्पतालों के पास पैसा नहीं है। फर्जी कार्ड था इसलिए पेमेंट नहीं मिलेगा, इस तरह की बहुत ही ज्यादा इस तरह की विसंगतियां इसमें आई है, जिनको दूर करने की आवश्यकता है। अब भी हमारी मंशा, शासन के मंशा के अनुरूप लोगों की सेवा और खासकर गरीब मरीजों की आयुष्मान के माध्यम से सेवा करने की मंशा है, इच्छा है, लेकिन हम लोगों के पास पैसा नहीं है। किराया देने को पैसा नहीं, बिजली का बिल देने को पैसा नहीं, कर्मचारियों की तनख्वाह देने को पैसा नहीं, दवाइयाँ खरीदने को पैसा नहीं, यदि कोई और अन्य भुगतान लगते हैं तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित तौर पर हमें काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है कि 15 अप्रैल शाम 5 बजे के बाद सारे निजी चिकित्सालय आयुष्मान से संबंधित मरीजों का काम मजबूरीवश, मन से नहीं, मजबूरीवश, भारी मन से बंद करने को मजबूर होंगे, क्योंकि हमारे पास अगले मरीज को लगाने का पैसा नहीं। एसोसिएशन के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जिशान अहमद ने बताया कि अगर हमारा रुका भुगतान 31 मार्च 2023 तक का सेटलमेंट नहीं किया गया तो हम इसके लिए न्यायालय की मदद लेंगे। इससे पहले हम प्रशासनिक लेवल पर पूरे प्रयास कर चुके हैं, वहां से हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। डॉक्टर जिशान अहमद ने बताया कि इससे पहले रीवा में 10 अप्रैल से कई निजी अस्पतालों ने आयुष्मान पर सेवा देना पहले ही बंद कर दिया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।